रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर तरफ हर्ष और उल्लास देखने को मिला। भाजपा नेताओं ने कहा, लाखों कार सेवकों का बलिदान आज पूर्ण हुआ है, प्रभु श्री राम अपने घर में विराजमान हुए हैं। इस सब के लिए भाजपा नेताओं और लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताया है। प्रभु श्री राम के अपनी जन्मभूमि पहुंचने पर भोपाल के करुणाधाम मंदिर में लोग इन पलों के साक्षी बने। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम करुणाधाम प्रांगण में सबने मिलकर देखा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी राम नाम के जयकारे के साथ राम नाम की मस्ती में झूमते नजर आए। यहाँ रामायण का पाठ पूर्ण होने के बाद आरती पूजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी के पास एक आध्यात्मिक शक्ति है, उन्हीं के प्रयासों से प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अयोध्या में किया गया। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने कहा कि 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए, लाखों कार्य सेवकों के बलिदान के बाद आज ये ऐतिहासिक दिन आया है। करुणाधाम मंदिर में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रभु श्री राम के भजन गाए और राम लला की झांकी की पूजा अर्चना की। बीडी शर्मा ने कहा कि राम राज आ गया है, आज पूरा देश राममय हो गया है। अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, इसी तारतम्य पूरा देश जो है राममय है। यहाँ पर भोपाल में करुणाधाम मंदिर में प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा सहित तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और प्रभु की श्री राम के भजन और गीत चल रहे हैं, पूजन पाठ चल रहा है। आइए हम बात करते हैं, भाई साहब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो चुका है, आज पूरा देश नहीं दुनिया राममय है और आज उन्हीं क्षणों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। नए भारत का अभ्योदय, नए भारत का निर्माण माननीय मोदी जी की उपस्थिति में हो रहा है। राम राज्य स्थापित हो रहा है, नए भारत का निर्माण, नए भारत का अभ्योदय हो रहा है, पूरा देश राममय है। इसी तारतम्य में भोपाल और तमाम जगह तमाम मंदिरों में पूजा पाठ की जा रही है। कैमरा मैन अमन के साथ शक्ति भारती भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।